अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, आई एम ताहिर सरताज, राइट, एंड वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फॉर ओबीयू फर्स्ट नवंबर अटेम्प्ट, राइट। अच्छा, ये जो है वो नवंबर की अटेम्प्ट का जो बैच है, इसमें देखें आपको ओबीयू करना है। ओबीयू में F1 से F9 आपको मुकम्मल करना होता है और F7, F8, F9 आपको देने होते हैं, ठीक है, मतलब बैठ के देने होते हैं। सो आपका F1 to F9 अगर मुकम्मल हो तो आपको एक अदद रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एथिक्स मॉड्यूल। अगर आपका वो हुआ है तो आप ओबीयू दे सकते हैं। अच्छा, एथिक्स मॉड्यूल मुकम्मल करने की जो है वो हर अटेम्प्ट की डेट होती है। जो इस अटेम्प्ट की डेट है वो है 22 सितंबर 2023। आपको नवंबर के अटेम्प्ट के लिए 22 सितंबर 2023 तक एथिक्स मॉड्यूल मुकम्मल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 22 तक ना कर सके तो फिर क्या होगा भाई? 22 तक अगर आप ना कर सके तो फिर आप 22 तक अगर आप ना कर सके तो फिर आप जो है वो सिर्फ मतलब फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे, ठीक है। तो इस अटेम्प्ट का जो कट ऑफ है वो 22 ही है। ओके, देखिए, आपको रिपोर्ट बनानी होती है कि जो 7 से 7.5 हजार वर्ड की होती है। इसके लिए लर्निंग स्टेटमेंट होता है कि जो 1800 वर्ड से लेकर 2000 वर्ड का होता है, और आपको 3 छोटे छोटे और डॉक्यूमेंट होते हैं जो बनाने होते हैं, जिसमें एक लिस्ट रेफरेंस होती है, एक एक्सेल की फाइल होती है और एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है। सो ऑल इन ऑल आपको जो है वो 5 डॉक्यूमेंट ओबीयू को देने होंगे बिटवीन नवंबर 1 से नवंबर 8, ठीक है, यानी कि 8 नवंबर 2023 तक आप जो है वो इसको सबमिशन कर सकते हैं एक पोर्टल के थ्रू। अच्छा, नवंबर की सबमिशन का जो रिजल्ट है वो समवेयर आपके पास 20 मार्च 2024 को आएगा। साल में दो टाइम्स होती है, एक मई होती है, एक नवंबर होती है। जो मई होती है उसका रिजल्ट सितंबर में आता है, और जो नवंबर होती है उसका रिजल्ट मार्च में आता है, ठीक है। तो ये इसका एक मोटा मोटा वो है, राइट। अच्छा, अब आ जाए। अच्छा, दूसरा, इस टाइम की जो फीस है वो 495 pound है, ठीक है, जो आपको सबमिशन के ही टाइम पे देनी पड़ेगी। उसको सबमिशन से पहले मतलब आप देने की कोई जरूरत नहीं होती, वो आप सबमिशन ही के टाइम पे देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ओबीयू वाले जो है वो आपको जब आप फी पे करेंगे सबमिशन की मतलब सबमिशन के टाइम पे, और फॉर एग्जांपल खुदा ना खास आप ना दे सके उस वक्त, आप कहें कि मेरे पास कैश शॉर्ट है और मैं इस वक्त सबमिशन के टाइम पे नहीं दे सकता, तो आपको एक सर्टेन टाइम देते हैं कि जो आपके रिजल्ट से पहले तक का होता है, और यू कैन पे दैट फी बिफोर रिजल्ट से पहले तक की वो सर्टेन डेडलाइन जो है उस तक आप दे सकेंगे। ओके, ओबीयू की जो इस अटेम्प्ट की फीस 495 pound है, ये लास्ट अटेम्प्ट में जो है 470 pound, ठीक है। अच्छा, ओबीयू करने के लिए आपको अपना ACCA के पहले पेपर के 10 साल के अंदर अंदर आपको ओबीयू करना होता है, ठीक है। आपको ACCA के पहले पेपर के 10 साल के अंदर अंदर ओबीयू करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जामिशन के लिए उत्तर के आए और आपने F1 से F6 की एग्जामिशन ली है और आप 7 and 9 दे रहे हैं, तो ये आपका जो एग्जामिशन लेने का जो टाइम है, यानी कि दैट पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एट योर 10, मतलब ये पॉइंट कंसीडर होगा फॉर योर 10 ईयर रूल, राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल क्रॉस कर दिए, फिर क्या होगा? नहीं किया आपने 10 साल में ओबीयू, 10 साल क्रॉस कर दिए, फिर क्या होगा भाई? फिर ये होगा कि आप सिर्फ उस कर सकेंगे कि या तो आप ACCA के एक्टिव मेंबर हो, या फिर आपने आज से पिछले 5 साल में ACCA के कोई 3 पेपर क्लियर किए हो। तो अगर आपने या तो आज से पिछले 5 साल में ACCA के 3 पेपर क्लियर किए हैं, या आप ACCA मेंबर हैं, तो फिर आप जो है वो ओबीयू दे सकते हैं। यानी कि ये दो अलग अलग कंडीशन है, आप या तो मेंबर हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर मेंबर नहीं है और 5 साल में ACCA के पेपर कुछ क्लियर किए 3, तो फिर आप जो है वो इसको दे सकते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी। अच्छा, दूसरा है कि आपकी जो रिपोर्ट होती है उस पे कुछ ग्रेड असाइन होते हैं, ठीक है। आपकी रिपोर्ट का ग्रेड जो है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है और सी हो सकता है, राइट। अच्छा, ग्रेड का क्या इम्पैक्ट है? देखिए, आपकी रिपोर्ट पे ही ग्रेड असाइन होता है, बाकी डॉक्यूमेंट या तो पास होते हैं या फेल होते हैं। यानी कि जो मैंने पीछे आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, SLS है, प्रेजेंटेशन है, एक्सेल फाइल है, ये सारी, तो आपकी रिपोर्ट का ग्रेड और आपके F4 से F9 के एवरेज मार्क्स ये बताते हैं कि आपका आपकी डिवीजन क्या बनेगी। आप देखिए, यहाँ पर आपके पास एक टेबल नजर आ रहा होगा, तो
उसमें हॉरिजॉन्टली आपको डिवीजन नजर आ रही है कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है और थर्ड है, और से देखें तो सेकंड में दो है, एक अपर सेकंड है और एक लोअर सेकंड है, ठीक है। और आपके लेफ्ट साइड पे आपको F4 से F9 की एवरेज मार्क्स नजर आ रहे हैं। अब आप और से देखें तो आपके अगर F4 से F9 की एवरेज मार्क्स 68 एंड अबव है, तो अगर रिपोर्ट में ए ले, बी ले या सी ले, तो सबसे पड़ता आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगी। और अगर आप बॉटम में देखें तो आपके पास F4 से F9 की एवरेज मार्क्स 50 से 52 है, अब आप रिपोर्ट में ए लें, बी लें या सी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको थर्ड डिवीजन मिलेगी। और आप देख सकते हैं 52 से 68 के दरमियान एक पूरा एक ऐसा टेबल है, ठीक है, यकीन आप इसमें कहीं ना कहीं फिटेड होते हैं। अच्छा, अब आ जाए आप टॉपिक्स में। देखिए टोटल 15 टॉपिक है और आपको इनमें से कोई एक टॉपिक पिक करना है, तो लेट गिव वन बाय वन, ठीक है। अच्छा देखिए, आपकी जो टॉपिक है वो है फॉर एग्जाम्पल टॉपिक नंबर वन है, टॉपिक नंबर वन है एनालाइज एंड एवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑन बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंपैक्ट को एवैल्यूएट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो भी उन्होंने सिस्टम अख्तियार लगाया है, चाहे जो भी टूल वो यूज कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को एवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है, वो बजट का सिस्टम हो सकता है, वो स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल हो सकता है, ठीक है, वो कोई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो सकता है, वो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो आप अब जारी बात है ये का आपको कोई कंपनी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर पब्लिश करके तो देखी नहीं है कि वो कौन सा परफॉर्मेंस मेजरमेंट का सिस्टम यूज कर रही है और उसके उसके एवेल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे। तो यकीनन इस काम को करने के लिए आपको जो है वो कंपनी का इंटरनल डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरनल डेटा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सोर्स से आ सकता है, और प्राइमरी सोर्स तीन तरह की होती है। इंटरनल डेटा तीन सोर्सेज से आ सकता है, ठीक है, सॉरी प्राइमरी सोर्स से आ सकता है और प्राइमरी सोर्स तीन तरह की होती है। सबसे पहले उसके अंदर जो है वो आपके पास इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू करें और इंटरव्यू से डेटा ले लें। फिर दूसरा आप जो है वो क्वेश्चनरी डिस्ट्रीब्यूट करके डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है कि आप ऑब्जर्व करें किसी चीज को और फिर आप डेटा इकट्ठा कर लें, ठीक है। तो ये तीन मेन आपके पास जो है प्राइमरी सोर्स के अंदर टूल होते हैं जिसके थ्रू आप डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब ये यकीनन इतना डिफिकल्ट टास्क आप इंटरव्यू कंडक्ट करें वो आपको और दूसरे ये फेक नहीं हो सकता, तो आपको कंपनी में अलाउ करेगा तो आप करेंगे ना, और इसके लिए लेटर हेड पे परमिशन भी लेनी पड़ती है, ठीक है। वो कंपनी एक्चुअल में लेटर हेड पे आपको लिख के देगी कि हम इस बंदे में ये चीज़ अलाउ कर रहे हैं और नीचे साइन स्टैम्प भी करेगी, नहीं तो आप ये चीज़ फेक नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत बुरी तरह मरेंगे, तो डेफिनेटली ये काम हम टेक भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक जब तक आपका कोई इस तरह का इंटरनल कनेक्शन ना हो आप नहीं ले। अब आ जाए आप सेकंड में। अच्छा देखिए, सेकंड है एनालाइज एंड एवैल्यूएट द इंपैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एन इंटरनल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑन द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपने इम्पैक्ट वैल्यूएट करना है, अगर आपके यहाँ कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या आपके यहाँ कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुई है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सिस्टम ऑटोमेट किया है, कोई प्रोसेस ऑटोमेट किया है, ठीक है, तो आप जो है वो उसको वैल्यूएट करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसके लिए कितना फीजिबल रहा है फाइनेंशियली एज वेल एज बिजनेस के इम्पैक्ट की वजह से। तो अब सिस्टम या प्रोसेस ऑटोमेट करने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नई टेक्नोलॉजी ले आऊँ या मैं कोई कस्टमर या सप्लायर का सिस्टम ऑटोमेट कर दूँ। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो मैं देता हूँ, ये कि बैंक ने जो है वो अब एक वक्त था कि जब लोग बिल जमा करने के लिए सिर्फ उसे बैंक ही जाया करते थे, तो बैंक के ऊपर बहुत ठीक ठाक किसी का लोड होता था। उसके बाद आई टी आया और उससे यहाँ ये चीज़ें जितनी भी थी वो सब ऑटोमेट कर दी। तो ये आज आप अपने मोबाइल से अपनी यूटिलिटी के बिल भी दे सकते हैं, फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो है वो और भी सर्विसेज हैं कि जो आपको कर सकते हैं, जैसे अदरवाइज आपको बैंक के पास जाना पड़ता था। और अगर आपको कैश निकलवाना हो या कैश डिपॉजिट भी कराना हो तो ये दोनों काम जो है वो आप ATM मशीन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडिया क्या है, ये आइडिया ये कि कम से कम लोड रखा जाए ब्रांचेस से,
कम से कम जो है वो लोड रखा जाए ब्रांचेस पे। सो ये क्या किया है उसने, कस्टमर का सिस्टम ऑटोमेट किया। अगर आप ऑर्डर देंगे तो आप बैंक के कस्टमर है और आप जो है वो बैंक ने जो है वो आपका अपने कस्टमर का जो है सिस्टम जो है वो ऑटोमेट किया और उसकी सिस्टम ऑटोमेशन की वजह से जो है वो आपके पास जो कस्टमर है वो डेफिनेटली उसको भी कंफर्ट आ जाएगी। कंफर्ट इन दैट सेंस, उसको हर चीज के लिए अप्रूव के बैंक नहीं मांगना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ तक यूटिलिटी बिल्स का ताल्लुक है तो पुराने वक्त में तो एक बंदे की ड्यूटी घर में सिर्फ इसी काम की होती थी कि वो जो है वो सारा दिन लगा के तो बिल जाके भरता था, तो उसकी लाइन भी बड़ी लंबी होती थी। अब आप मोबाइल के एक क्लिक पे सारे काम कर लेते हैं या आप अपने एटीएम से दे सकते हैं या ऐसे बहुत सारे बूथ है कि जहाँ से आप ये सारे काम कर सकते। सो टेक्नोलॉजी का इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट है और इसी से ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्रोफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट आया, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट आया। अब जाहिर बात है इस काम को करने के लिए आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत जाती होगी, क्योंकि आपको ये कंपनी इस तरह पब्लिश करके नहीं बताएगी ना कि हमने अपने यहाँ ये सिस्टम जो लगाया उसके ये इम्पैक्ट, ठीक है। तो यकीनन के लिए आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अब आज आप थर्ड पे, थर्ड है एनालाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एनालाइज एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ रीसेंट चेंज इम्पोज्ड बाय रेगुलेटरी एनवायरमेंट, ठीक है। तो रेगुलेटरी एनवायरमेंट के में कोई चेंज आ जाए, मतलब लेजिस्लेशन में कोई चेंज आ जाए, टैक्स लॉ में चेंज आ जाए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन से गवर्नमेंट के और उसमें कोई चेंज आ जाए, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कोई चेंज आ जाए तो बाय लॉ इनफोर्स हो, ठीक है, आपको अडॉप्ट करना पड़े डेफिनेटली। फिर ये आपके पास जो है वो उसमें आएगा। अच्छा ये जो है ना, आप यकीन है, अच्छा इसके लिए कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती नहीं है, लेकिन आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी कि जिसके यहाँ इस तरह का कोई चेंज आया है, ठीक है। और ये जो भी चेंज होगा रिसेंट आप उसको लेके जाएंगे, और रिसेंट चेंज का मतलब जो है ना रिसेंट जो है अप टू 3 ईयर्स ही होता है, पिछले 2 साल में 3 साल में या पिछले 1 साल में जो भी चेंज आया है उसको इम्पैक्ट करके इवैल्यूएट करेंगे। अच्छा आवाज है टॉपिक नंबर 4 पे, बड़ा मशहूर वाला टॉपिक। टॉपिक नंबर 4 क्या है? टॉपिक नंबर 4 है एनालाइज एंड एवैल्यूएट द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर 3 ईयर्स पीरियड, सॉरी एनालाइज एंड एवैल्यूएट द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज परफॉर्म एक्सेप्शनली पुअरली ओवर 3 ईयर्स पीरियड विद अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रीजन फॉर इट डिफिकल्टी। यानी कि आपने एनालाइज करना है, एवैल्यूएट करना है, किस काम को? आपने बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है, ठीक है। किस कंपनी की? उस कंपनी की जिसने कोई एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्मेंस दी। अब ये एक्सेप्शनली पुअर परफॉर्मेंस क्या होती है? अच्छा अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा होगा तो मैं एंड में आंसर करूंगा, ठीक है। जो एक्सेप्शनली पुअर होगी वो उसकी क्या एक वो है, निशानी क्या है, ठीक है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप हर कंपनी को एक्सेप्शनली पुअर नहीं कहेंगे, मैं आपको कुछ 6 चीजें बताता हूँ, आप पहले वो देखें किसी भी कंपनी की, ठीक है। अगर वो बहुत बुरी तरह से डाउन हो रही है तो फिर हम उसको, अच्छा उस 6 में भी 2 ऐसी है कि जो सबसे कोर चीजें हैं, तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप प्लीज जरा नोट करें। नंबर 1 सेल्स, यानी कि हम पिछले 3 सालों की कंपनी की सेल्स देखेंगे, इसका ट्रेंड क्या है, क्या वो गिर रहा है, बहुत बुरी तरह गिरे, मतलब कि उसकी जो सेल्स है। अच्छा पहले मैं लिखवा देता हूँ सेल्स, ये पहले लिख रहे सेल्स, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, सेल्स, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन, सेल्स, जीपी मार्जिन, एनपी मार्जिन। मैं आपको टेक्निक नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि आपको किस तरह से करना है, तो आप टेंशन नहीं ले, हमने अगले 2 महीने यही काम करना है बैठ। मैं आपको टेक्निक नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि आपने ये काम करने हैं, ठीक है, ओके। सो मैं क्या बता रहा था, हाँ सेल्स, जीबी मार्जिन, एनपी मार्जिन, सेल्स, जीबी मार्जिन, एनपी मार्जिन, मार्केट प्राइस, ईपीएफ और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज रॉस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिख ले जरा, ठीक है। ईपीएफ, मार्केट प्राइस और
दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा देखिए ये छह चीज है। अच्छा इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है दो, कौन सी? सेल्स और एंट्री मार्जिन, यानी कि नेट प्रॉफिट पार्ट, सेल्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन। देखिए किसी भी कंपनी की ये दो चीजें या बाकी ये जितनी भी चीजें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेल गिरेगी तो हो सकता है कि आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा तो आपका लॉस। ये दो बहुत ही सेल्स गिर रही है फॉर एग्जाम्पल तीन सालों में, और हर साल कुछ ना कुछ गिरनी चाहिए। तीन साल में फॉर एग्जाम्पल कंपनी की सेल्स गिरी 15%, 20%, 25%, 30%। अब 2-4-5% की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कि आपका तीन सालों में गिर गई 4%, 5%, 6-8%, 9%, ये आप कह रहे हैं एक्सेप्शन नो, वो गिरे 14%, 15%, 16%, 18%, 20%, 22%, 25%, 30%, तीनों सालों में, ठीक है। अब वो एनुअली कुछ ना कुछ गिरनी चाहिए, अब वो एनुअली किस तरह गिरेगी फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी नहीं हो सकता कि फॉर एग्जाम्पल एक साल तो हार्डली 2% गिरी है, लेकिन उससे अगले साल जो एकदम से 15% गिर गई, तो बोलेंगे सर ये तो 17% गिर गई तीन साल, नो, एक साल में से 2% गिरी, तो आपका एनुअल डिक्लाइन होना चाहिए, और तीन में से कम दो जरूर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लास्ट 3 years अगर लेता हूँ, तो मेरे लास्ट 3 years बनते हैं 20, 21 and 22, मेरे लास्ट बनते हैं 3 years 20, 21 and 22। अब ये 20, 21 से भी गिरे और 21 से 22 से भी देखे गिरे क्या, 3 is 6 on 1st। अच्छा सॉरी ये मैंने सेकंड पे कर दिया भाई, ये टॉपिक नंबर 4 है, सॉरी मैंने देखा जी, हमें प्रॉफिटेबिलिटी के नहीं है, मैंने आपको 6 चीजें बताई है ना, तो इन 6 चीजों को आपने लेके देखना है ना, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था कि आपको अपनी सेल चेक करनी कि वो किस तरह से डिक्लाइन कर रही है। अगर आपकी कंपनी की सेल जो है वो 3 सालों में 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 अगर गिर रही है, तो फिर ऐसी कंपनी की को मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये कंपनी जो है वो एक्सेप्शनली पुअर है। अच्छा खाली सिर्फ सेल्स नहीं होगी, फिर एनपी मार्जिन भी आप चेक करें, आपका एनपी मार्जिन भी इसी तरीके से गिरना चाहिए जिस तरह आपकी सेल्स गिर रही है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एनपी मार्जिन था 15, 15 से वो 11 हुआ, 11 से 5 हुआ, या आप एक साल प्रॉफिट में थे 8% प्रॉफिट था, फिर वो 1 पे आया, फिर आप लॉस पे आ गए। ये फोर्ड के साथ हुआ था, फोर्ड 18 में प्रॉफिट में थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त, ठीक है, 19 में आके उनका प्रॉफिट बहुत बुरी तरह गिरा और 20 में आके लॉस आ गया, ठीक है, इसको मैं एक्सेप्शनली पुअर कह सकता। अच्छा इसी तरीके से मैं टेस्ला की एग्जांपल देता हूँ, 19 में टेस्ला लॉस में थी, 20 में उनका वो प्रॉफिट में आई है, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट था, मतलब बुरा सकता, 21 में तो उसने जबरदस्त तरीके से जंप पे मारी और 22 में भी उसने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट जनरेट। तो ये क्या हो रहा है, ये कहलाएगा एक्सेप्शनली वेल, कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से सेल भी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। आपका जो टॉपिक 5 है ना, वो 4 का बिल्कुल उलट है, वहां पे 5 में बिल्कुल आपको एक्सेप्शनली वेल के ऊपर काम करना है, ठीक है, 5 में आपको एक्सेप्शनली वेल के ऊपर लेके काम करना है, 4 इज एक्सेप्शनली पुअर, 4 इज एक्सेप्शनली पुअर, 5 जो एक्सेप्शनली वेल है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी की सबसे पहले आपने ये चीजें देखी हो गया आपको, मैं टॉपिक 4 and 5 सर ऑल्सो टेल द टाइम फ्रेम ओवर विच वी हैव टू असेस, हमें 3 साल के ऊपर काम करना है, आप जरा देखें टॉपिक के अंदर लिखा भी है ओवर 3 years पीरियड ना, तो जो हमारा लेटेस्ट है, जो भी लेटेस्ट आपके 3 साल होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके बोले कि 20, 21, 22 है, या फॉर एग्जाम्पल आपका 21, 22, 23 है, ठीक है, अभी हम एयर एंड पे भी बात करेंगे, अभी हम आगे जाके करेंगे, ठीक है, तो लेकिन बारह 3 साल का आपने डायलिसिस करना है। सो ये आपके पास, अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अच्छा इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर जो है ना वो तीनों साल या तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे, सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से नहीं होने चाहिए। अब बोलेंगे सर ये तो इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, अब गलत कह रहे हैं, 20 जो है वो आपका कोविड की वजह से खराब हो सकता है, 21 में कोविड जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए रहा, पूरे साल के लिए नहीं था, ठीक है, और 22 तो था ही नहीं, बात ही खत्म हो गई,
ठीक है। अच्छा अब आ जाए आप अगले पे, ये मैंने आपको चार पांच करवा दी, अब आ जाए आप अच्छा टॉपिक नंबर सिक्स पे आ जाए। अब ये जरा थोड़ा साइडों से जरा वो हुआ है, तो मैं आपको ये अलग से दे दूंगा मतलब टॉपिक के लिए। अच्छा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, वो है एनालाइज एंड इवैल्यूएट। अच्छा बाय द वे 4 and 5 सबसे अच्छा टॉपिक, ठीक है। मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट भी करूंगा, लेने आता खुद ने, ठीक है। लेकिन आप जो टॉपिक लेंगे उसकी कंपनी आप जो सेलेक्ट करेंगे वो मुझसे पूछ के सेलेक्ट करेंगे, आप कौन सी कंपनी सेलेक्ट करेंगे ये मेरा डिसीजन। मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये चीज, एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया कि आपने 6 चीजें निकाल दी, ये आपने कंपनी की निकाल के मुझे देनी, मुझे बताएंगे कि मेरे हिसाब से ये कंपनी एक्सेप्शन हो रहा है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं फाइनल करूंगा, ये मेरा डिसीजन होगा कि आपकी कौन सी कंपनी एक्सेप्शन है। उसकी वजह ये है, ये मैं क्यों अपने हाथ में रखता हूँ, क्योंकि हमें आगे जाके प्रूफ भी करना पड़ता है, अगर किसी ने इसके टॉपिक की अंग्रेजी जरा सही समझी हो तो वो ये कहता है कि आपको ये प्रूफ भी करना है विद क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द रीजंस फॉर इट्स डिफिकल्टीज, तो आपको एंड में आके ये प्रूफ भी करना है कि आपकी ये कंपनी किस बुनियादी बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि ये एक्सेप्शनली वेल है या पुअर है, ठीक है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते कि जिस जो है वो आगे जाके हम बच्चा पता कि भाई एक्सेप्शनली वेल या पुअर है, समझ आ रहा है। तो आप जो कुछ करेंगे वो करके मुझे बताएंगे, छह चीज आप जिस भी कंपनी निकालेंगे मुझे बताएंगे, मैं डिसाइड करूंगा कि ओके हाँ ये हो सकती है नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात है, मेरी कंपनी की पोजीशन जो है एक्सेप्शनली पुअर है और वो बहुत भी तरह डिक्लाइन कर रही है, अब मुझे साथ में कंपेटिटर भी लेना है और पता चला कंपेटिटर भी इसी तरह से बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, तो क्या ये एक्सेप्शनली पुअर है? नहीं है। किस वजह से नहीं है? क्योंकि इसकी तो इंडस्ट्री पीयर जो इसका है वो भी गिर रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ भाई आप खाली अकेले नहीं गिर रहे, आपके साथ आपका कंपेटिटर भी गिर रहा है, तो ये तो फिर इंडस्ट्री इंपैक्ट हो गया कि एक्सेप्शनली आप फिर एक्सेप्शन तो ना हुए ना। देखिए टॉपिक कहता है एक्सेप्शनली पुअर, तो एक्सेप्शन वो होती है कि जो सिर्फ आपके साथ हुई है और सबके साथ ना हुई है, समझ आ रही है। तो आपको जो है ना वो एक्सेप्शनली वेल और पुअर दोनों, उसमें आपकी वाली तो बहुत अच्छी है बहुत बुरी हो, लेकिन कंपेटिटर बहुत अच्छा हो बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। अच्छा अब आ जाए आप टॉपिक नंबर सिक्स है आपके पास, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ, सॉरी एनालाइज एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ की फैक्टर्स दैट हैव एन इंपैक्ट ऑन एन एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा 4 और 5 के अंदर इंटरनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, यानी कि आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 6 है इसमें करने की जरूरत है। अब देखिए आपसे वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप ये इवैल्यूएट करें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब एक बार बताएं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है चीजें, भाई डेफिनेटली सैलरी करती होगी, वर्किंग एनवायरमेंट करता होगा, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट करते होंगे, नेचर ऑफ वर्क करता होगा, लेकिन ये सारी चीजों के लिए आपको उसकी आपको वहां पे क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे और आपको जो है वो भी करना पड़ेगा, क्या कहते हैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट मुझे जरा, 2 मिनट मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है 2 मिनट। अच्छा सॉरी आवाज आ रही है सबको? जी भाई आवाज आ रही है सबको, जल्दी बताएं शाबाश। ओके अच्छा देखिए टॉपिक 6 क्या है, टॉपिक 6 है कि आपके एम्प्लॉय को क्या चीज मोटिवेट करती है, आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ये टॉपिक बड़ा अच्छा है उसकी वजह की अगर इस पे अगर आप अच्छा, लेकिन गरीब बात है ये आप काम उस वक्त कर सकते हैं जब आपके अंदर कंपनी में कनेक्शन हो, या आप वहां पे काम करते हो, या फॉर एग्जांपल आपको कोई रिलेटिव हो जो वहां पे काम करता है और वो आपको इस तरह का लेटर हेड पे ये सारी चीजें अरेंज करवा के दे सकता है, इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकता है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है, अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो फिर डेफिनेटली अभी काम कर सकता है, अदरवाइज अभी काम नहीं कर सकते। सो लेकिन ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें थीसिस आसानी से बन जाता है, ठीक है। और मेरे पास जब भी इस टॉपिक पे थीसिस सबमिट हुआ तो कभी फेल नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है।
इसमें कभी भी नहीं फेल हुआ, एक भी नहीं फेल हुआ, लेकिन इसमें लोग बनाते बड़े कम है। सारी बात, हर बंदे के इस तरह के कनेक्शन नहीं होते। ठीक है जी, अब आ जाए आप टॉपिक नंबर 7 पे। ओके, टॉपिक नंबर 7 है आपका रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अंडरगॉन अ मेजर चेंज, एनालाइज एंड एवेलुएट वेदर द चेंज हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आपके यहाँ चेंज हुआ है तो उसके इम्पैक्ट को एवेलुएट करना है। चेंज मतलब, अब ये जो चेंज होगा ना, ये होगा चेंज बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से। बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब मर्जर एक्विजिशन हुआ है, ठीक है, या आप मर्जर एक्विजिशन हुआ है, या डी मर्जर हुआ है, या स्पिन ऑफ हुआ है, या कोई और एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो आप उसको लेके यहाँ पर इवेलुएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें फॉर एग्जाम्पल आप किसी नई मार्केट में इंटर होने जाते हैं तो वो भी आप इसके अंदर लेके डाल सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ेगा, एंड दैट विल ब्रेक विल बी 4 to 5 मिनट्स। आई एम सॉरी, ठीक है, मैं भी इसको रिकैप करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, सॉरी, कोई आवाज आ रही है अभी? चेंज ऑफ बिजनेस मॉडल, क्या चेंज ऑफ बिजनेस? सो प्लीज आल्सो शेयर वेदर ओबी स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट थीसिस ऑन सर्टेन कंपनीज। देखिए, ओबी ने रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया, लेकिन टेस्ला यूज करने से मना किया है। या एक कंपनी को बहुत ज्यादा स्टूडेंट सफर करे तो वो फिर उसको मना करता है, उसको डिस्करेज करता है। वो कहते हैं मल्टीपल मल्टीपल जो है ना, आप वो निकाले, ठीक है। तो मतलब इस तरह कोई कंपनी को मना नहीं करता, लेकिन बहुत ज्यादा यूज की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2 अटेम्प्ट पहले उसने जो है वो मना किया था टेस्ला के लिए, क्योंकि टेस्ला बहुत ज्यादा बच्चे ले रहे थे तो उसे मना कर दिया। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 7 ये। अच्छा, अब आ जाए टॉपिक नंबर 8 पे। टॉपिक नंबर 8 है एनालाइज एंड एवेलुएट द बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर 3 इयर्स पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन अ सेक्टर दैट हैज फेस्ड स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस विद एन एम्फेसिस ऑन हाउ मैनेजमेंट हैव एड्रेस दीज चैलेंजेस। ठीक है, तो आपने जो है वो क्या नाम है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल बिजनेस परफॉर्मेंस एवेलुएट करना है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसको स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशन चैलेंजेस फेस करने को मिले। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशन चैलेंजेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन चैलेंजेस क्या है? भाई हमें डॉलर नहीं मिल रहे, बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है, या गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट बढ़ा रही, गवर्नमेंट की टैक्स के रेट बढ़ा रही है और ये हमारे लिए डिफिकल्ट है, हम इसको आगे मतलब पास ऑन करें तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है काम करना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया ऑपरेशन चैलेंज। अब आ जाए स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक क्या है? भाई गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, अब ये ऑपरेशन चैलेंजेस है, सॉरी ये स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। भाई इंपोर्ट अलाउ होगी तो आप काम करेंगे, इंपोर्ट नहीं लाओगे तो आप काम कैसे करेंगे? सही है, तो ये इस तरह की कंपनी आपको ढूंढनी पड़ेगी अगर आपको ये कंपनी लेना है तो। ठीक है, अच्छा, अब आ जाए आप टॉपिक नंबर 9 पे। टॉपिक नंबर 9 है एनालाइज एंड एवेलुएट द मैनेजमेंट ऑफ अ चेंज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है, अगर आपने कोई चेंज किया अपने आप, फॉर एग्जाम्पल एचआर रिलेटेड चेंज है, या सप्लाई चेन में कोई चेंज किया है, ठीक है, या टेक्नोलॉजी में आपने कोई चेंज किया है, तो आप इन चेंजेस को यहाँ पे लेके डाल सकते हैं। सही है, एक मिनट।
सही है। तो ये चेंजेस जो है वो आपके पास एचआर रिलेटेड हो सकती हैं, कोई एचआर की चेंजेस हो सकती हैं। इसके अलावा आपके पास एचआर की चेंजेस हो सकती हैं, आपके पास जो है वो उसकी हो सकती है, क्या नाम है, कोई 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 टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकती है, कोई सप्लाई चेन में चेंजेस हो सकती है, तो इस तरह की चीज आपके पास आ सकती है। ठीक है, अच्छा मैं कह ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग बंद हो गई, तो मैं अगर इसको दोबारा सही करता हूँ, हमें शेयरिंग हट गई है। एक मिनट में शेयरिंग दोबारा ऑन कर, नजर आ रहा है ना आपको? ठीक है, ये रहा। तो ये चेंजेस अगर आप कोई कर सकते हैं तो वो राइट। अच्छा, इसके बाद वाला जो है वो है एनालाइज एंड एवेलुएट द यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स इन द मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स की इवैल्यूएशन को चेक करना है कि आपके यहाँ फॉर एग्जांपल अगर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का कोई मेजरमेंट सिस्टम लगा हुआ है तो उसको इवैल्यूएट करना है कि वो कितना अच्छा आपको हेल्प आउट कर रहा है कि आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स क्या हो सकता है भाई? वो रिस्क मैनेजमेंट की टेक्टिक्स हो सकती है, तो रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, कोई सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स का मेजरमेंट टूल हो सकता है, कोई एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस मेजरमेंट का टूल हो सकता है। ठीक है, तो आपकी ये चीजें जो है वो यहाँ पर देखी जाएंगी। ठीक है, ओके okay. और इसके अगला है एनालाइज एंड एवेलुएट हाउ द हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनेज द यूज ऑफ डेटा। ये बिल्कुल भी नॉर्म नहीं आ रहा। तो ये है एनालाइज एंड एवेलुएट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनेज द यूज ऑफ डेटा। क्योंकि मैं सबक हो रहा यार, मैं इसको यहाँ से एग्जांपल मैं आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पैक से करा देता हूँ, एक मिनट रुके, वहां ये ज्यादा बेहतर है पूरे टॉपिक। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स जो है वो आपके पास सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल देखे नहीं है, नजर आ रहे हैं ना प्रभाव? ठीक है, तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है ये। अच्छा, ये तो हो गया आपका टॉपिक नंबर 10। अब आ जाए आप 11 पे, एनालाइज एंड एवेलुएट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मैनेज द यूज ऑफ डेटा टू इन्फॉर्म बिजनेस परफॉर्मेंस एंड अचीव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू हाउ द एथिक्स ऑफ डेटा यूज इज मैनेज। ठीक है, आपने आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में डेटा यूज कैसे मैनेज किया जाता है, या डेटा को किस तरीके से अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए यूज किया जाता है। देखिए, जितनी भी कंपनीज है दुनिया में वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करती हैं ताकि रिसेंट ट्रेंड चेक किए जा सके। आप बताइए, तो प्रोडक्ट वो बनाएंगे ना कि जिसका ट्रेंड चल रहा हो, तो आप वही काम करेंगे जिसका ट्रेंड चल रहा हो, आप हर कोई काम तो नहीं करेंगे ना। डेटा की जरूरत होती है। आजकल सबसे ज्यादा अच्छा डेटा जो मिलता है वो मिलता है रिसर्च इंजन पे, यानी कि गूगल पे, या और जो भी रिसर्च है, रिसर्च वेबसाइट्स हैं, या फिर आपके सोशल मीडिया से मिलता है, वहां से पता लगता है कि जी आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए तो आप उसको बताएं, उसको एवेलुएट करें। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको एथिक्स ऑफ द डेटा, यानी कि आप एथिक्स की यूज करें उस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल आप एक बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा लें, आपको चार बैंकों से कॉल ना आ जाए तो मुझे बोलिएगा, उनके बाद बाकी चारों के बाद कैसे पता लगता है ये डेटा बिकता है, डेटा सेल होता है। ठीक है, डेटा सेल होता है, ये कोई अनोनी बात नहीं है, डेटा सेल होता है। ओके okay. अच्छा, इस काम को करने के लिए इंटरनल इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। अब आ जाए 12 पे, एनालाइज एंड एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
आपको एनालाइज करना है, एवलुएट करना है इफेक्टिवनेस, किस चीज की इफेक्टिवनेस, कंट्रोल एनवायरमेंट आपके यहाँ कितना इफेक्टिव है। अब कंट्रोल एनवायरमेंट जो आपका इफेक्टिव होगा वो फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट के फंक्शन की वजह से हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फंक्शन की वजह से हो सकता है, कोई रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हो सकता है। तो ये टॉपिक आपका, अब ये कंट्रोल एनवायरमेंट आपके एनवायरमेंट के फंक्शन कितने इफेक्टिव है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंस फंक्शन, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, ये कितना कितना इफेक्टिव है उसको आपने लेके वैल्यूएट करना। जारी बात, इस काम को करने के लिए आपके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन लाजमी यूज करेंगे आप। अच्छा, अब आ जाए टॉपिक नंबर 13 पे। 13 है रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग पुअर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एनालाइज एंड एवलुएट द रीजन फॉर द पुअर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस एंड इंपैक्ट दैट दिस हैज ऑन आइडेंटिफाइड स्टेकहोल्डर ग्रुप। आपको वैल्यूएट करना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पुअर एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है उसका उस पर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, सही है। यानी कि आप अब ऐसी दुनिया में बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशन है कि इसके ऊपर एथिकल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड बहुत चार्जेस है। अब इसके अंदर स्पेसिफिकली नीचे से एग्जाम्पल दिए, फ्रॉड यूज हो सकता है, क्रिएटिव अकाउंटिंग के अंदर कोई इशू उन्होंने किया है, अनएथिकल सप्लाई चेन है, या आपके पास वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। देखे ना, इसमें नीचे देखिए क्या लिखा है, पुअर बिजनेस एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस मे इंक्लूड। तो ये हो सकता है, ये नहीं है कि ये अकलौती लिस्ट है। ऐसी दुनिया में बहुत सारी वो है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल उस मोबाइल फोन की जो मेरे और आपके दोनों के हाथ में, वो है सैमसंग। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन किसी कंपनी के पास सबसे ज्यादा चार्ज अगर लगे तो वो सैमसंग है। अगर आपको याद हो तो इसका नोट 7 फटता था, ठीक है, लोगों को प्लेन से उतार दिया जाता था। फिर दिस इज वन ऑफ द इशू। इसके अलावा बहुत सारे मसले हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसकी जो बैटरी है उसका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो समंदर के अंदर से निकलता है, मतलब साहिलों के पास से निकलता है, तो वहां चाइल्ड लेबर रिलेटेड बहुत मसले हैं। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी की कमी है, तो रेडिएशन के इश्यूज हैं, जो फीमेल्स वहां पे काम करती हैं वो और मेल दोनों, उनके ऊपर रेडिएशन के इश्यूज होते हैं, फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के भी इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बेतहाशा मसले हैं कि जो आपके पास इसके हैं, ऐसे बेतहाशा मसले इनके हैं, सॉरी सैमसंग वालों को। ठीक, ये क्या है, ये पुअर एथिकल प्रैक्टिसेस है। ठीक है, अच्छा 14 बिल्कुल उसको अलर्ट, वो पुअर था, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रैक्टिसेस की बात होगी। मतलब पुअर के अंदर बेतहाशा कंपनीज आती है, मैं अगर आपको नाम बता दूंगा आप हैरान हो जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेस्ले पानी जो जमीन से निकालती है उसको साफ करती है। आपको मालूम है जब पानी वो साफ होता है तो कुछ गंदा पानी भी, जब रेलवे से कुछ पानी साफ करेंगे तो कुछ गंदा भी तो निकलेगा, तो जो गंदा होता है वो कहाँ फेंकते हैं, गंदा जो होता है वो उठा के बाहर फेंकते हैं, तो जो जानवर है वो बेचारे वो क्या पिएंगे, या जो परिंदे हैं वो क्या पिएंगे, तो वो ये एनवायरमेंटल इफेक्ट है ना इसका, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है इसका। सो ये हो गया मैकडॉनल्ड हो गया, नाइकी हो गया, इन सब पे ठीक ठाक मसले हैं, भले गूगल कर लो आपको लिस्ट मिल जाएगी इश्यूज। ठीक है, लेकिन बहरहाल हमें जो कंपनी पिक करनी है वो ध्यान में रखिएगा, ये उसके रीसेंट इश्यूज होने चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि आप बोलेंगे 2010 में उसके, ये मतलब रीसेंट इश्यूज होने पर पिछले 3 साल की बात होगी। अच्छा, अब आ जाए 15 है एनालाइज एंड एवलुएट द इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल एंड बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन वन ऑफ द फंक्शनल एरिया। ठीक है, अगर आपने कोई अगर स्ट्रेटजी अडॉप्ट की किसी फंक्शनल एरिया की और बड़ी कामयाब गई है तो उसके बारे में बताएं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग है, कोई HR है, कोई ऑपरेशन की स्ट्रेटजी है, ठीक है, या कोई इन्वेंट्री रिलेटेड स्ट्रेटजी है, एनवायरमेंटल रिलेटेड हो, तो इनके बारे में आपने लेके बात करनी है अगर कोई मिलता है। ठीक है, वैसे ये आपके 15 टॉपिक्स। ठीक है, तो भाई ये टोटल आपके 15
टॉपिक है। अब हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे आए, प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, तो ये आपके टॉपिक हो गए। आप जो कंपनी पिक करेंगे वो किन कंट्रीज की हो सकती है, वो नीचे लिखे, वो यूरोप की हो सकती है, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये बहुत से बहुत जापान, तो नो पाकिस्तान, नो इंडिया, नो मिडल ईस्ट, नो सऊदीया, नथिंग। आप इन कंट्रीज की कंपनी पिक करेंगे। ये मैं क्यों करा पाऊंगी, ये मैं सिर्फ, अच्छा ये सिर्फ टॉपिक 4-5 की बात हो रही है, टॉपिक 4-5 और टॉपिक 8 के अंदर आप ये कंपनीज के लिए अगर कोई कंट्रीज दें तो वो यही है। उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर जो है ना वो आपको डेटा बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो आपने इन ममालिक की कंपनीज पिक करनी। ऊपर मेरा रिजल्ट आ रहा है, लेफ्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और राइट साइड पे जो है उसकी पास स्टूडेंट है। लास्ट अटेम्प्ट में ये 80 थे, 78 पास हुए थे, उससे पहले 82 थे, 80 पास हुए थे, और उससे पहले आपके पास सारे के सारे लास्ट अटेम्प्ट आ गए। देखिये मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, आप पहले ये भी सुन, मैं आपको जो ये ओरिएंटेशन दे रहा हूँ उसके बाद आपकी क्लासे करूंगा। हफ्ते में एक दिन एक क्लास होगी, एक घंटे की, और तुम्हें 2 महीने का बैच क्लासेस में मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा, आपने कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, रेफरेंसिंग क्या होती है, कंपनी आप जो पूछो पिक करेंगे वो मेरे से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको साथ बिल्कुल एंड तक रहूंगा और आपको पूरी प्रॉपर ये जो क्लासेस लेने के बाद फिर मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, 10-15 दिन दूंगा अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए, आखिरी क्लास के बाद जब आप इसको कर लेंगे, मुझे दे देंगे, तो मैं इसको 2 रिव्यूज करूँगा। पहले जो भी के अंदर आपके रिपोर्ट के सारे इश्यूज आपको निकाल के बताऊंगा, दूसरे के अंदर देखता हूँ जो करेक्शन बोली थी कर दी गई, इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा जो आपने टॉपिक 4, 5 या 8 अगर लेना है तो उसे उसके कंपेटिटर भी लेना पड़ेगा। अब कंपेटिटर लेने के रूल्स है, वो रूल्स क्या है कि कंपेटिटर आपका सेम कंट्री का हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर कंट्री सेम नहीं है तो कम से कम करेंसी जरूर सेम हो। आप बोलेंगे यार कंट्री सेम ना हो करेंसी सेम हो, ये क्या जरूरत, तो भाई हमारे पास एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन की, वहां कंट्रीज डिफरेंट है और करेंसी एक ही है। नंबर 3, सेल और टोटल एसेट कंपनी के और कंपेटिटर के उसमें 40% ज्यादा का फर्क ना हो। क्या मतलब भाई, फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी मेरी है और बी उसका कंपेटिटर है और ए कंपनी की सेल्स 100 है, तो भाई कंपेटिटर जो है वो 60 से नीचे ना हो। अगर मेरी वाली 100 है तो 60 से नीचे ना हो, यानी कि मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी को बहुत छोटी कंपनी से कंपेयर नहीं करने देना चाह रहा, मेरा कहने का मतलब ये है। ये चीज सेल के लिए भी एप्लीकेबल है और टोटल एसेट के लिए भी, सही है, समझ में आ गया। तो आप कंपनी का कंपेटिटर पिक करते हुए ये चीजें भी देखेंगे, ये कंपेटिटर के रूल हो गए। अब आ जाए आप एरेंट, अब आ जाए आप एरेंट पे। देखिए एरेंट जो है ना लास्ट 3 ईयर्स इस अटेम्प्ट का जो कट ऑफ है कि आपने 2023 अगर लेना है तो वो किस कट ऑफ तक वेट करेंगे, वो है 3 अगस्त 2023 तक, ये लिख लें अपने पास। दूसरा, मैं आपको जो स्क्रीन दिखा रहा हूँ आप इसके स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे ना मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, अगर आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें लग रही है वो आपने बात लेकर नोट करें, मेरा मतलब है कि अपने कॉपी पेंसिल पकड़े और फिर नोट करें। अच्छा तो 3 अगस्त 2023 तक का वेट है इसके बाद। अब एक बात बताएं, अगर आप देखें दो मेजर ईयर एंड दो आपके दिसंबर और जून ही होते हैं ना, तो अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो दिसंबर 23 के आगे है नहीं, वो तो सबमिशन के बाद जाकर आएगा। तो आपका जो पहला है वो दिसंबर, इसका मतलब दिसंबर के लिए हम दिसंबर 22 हमारा लेटेस्ट ईयर एंड है, दिसंबर 22 दिसंबर 21 और दिसंबर 20, हम जो 3 साल पिक करेंगे किसी भी कंपनी के वो 20, 21, 22 के पिक करेंगे। अब आ जाए मार्च पे, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी का मार्च ईयर एंड है, मार्च 23 आ जाएगा 3 अगस्त तक, देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि आ जाए और यकीनन बल्कि आ ही जाएगा। उसकी वजह यह कि मार्च 23 में और 3 अगस्त 2023 में तकरीबन आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का फर्क है, तो 4 महीने में कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हो जाती है। अगर ये मई है तो मई में आ जाएगा, हाँ मई में अगर आप देखें तो वो मई में और 3 अगस्त में तकरीबन 2 महीने का फर्क है, मई मतलब जून जुलाई का फर्क है ना बीच में, जून 23 और जुलाई 23, बाकी अगस्त की उसे कट ऑफ दी है, तो 2 महीने के अंदर आ जाता है। लेकिन जो एरेंट जून में होंगे, जून 23 में उनका कट ऑफ है 3 अगस्त, तो भाई
उसमें और 3 अगस्त में कितना फर्क है, हार्डली 1 महीने का फर्क है। कितना फर्क है उसमें, 3 अगस्त का फर्क है, सही है। सो वो बहुत मुश्किल है कि वो आए, बात समझ आ रही है, वो बहुत मुश्किल है कि वो आए। उसकी वजह ये है कि भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, सही है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अच्छा, ये यहाँ पर आके आपका तकरीबन समझे कि ओरिएंटेशन खत्म हो गया। एक चीज और है, वो है प्लेजरिज्म। अगर आपने थीसिस में से कोई भी चीज कॉपी पेस्ट की, पहली बात तो एक थीसिस में आपको कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी होती, जो कहीं से पढ़े पढ़ के रिवर्ट करके फिर लिखे, हर चीज आपने रिफ्रेश करनी होती है, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होती। प्लेज में खुदा ना खासा अगर आप फंस गए ना तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, और अगर रिजल्ट रुक गया तो आप प्रॉब्लम में ठीक ठाक आ जाएंगे। वो आपको फेल तो करे, फिर फेल भी कर सकता है, ठीक है, और मतलब फेल तो करेगा ही करेगा, वो आपको इसके अलावा भी इश्यूज क्रिएट कर सकता है आपके, मतलब खुदा ना खासा प्लेज। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्लेज का परसेंटेज क्या है। देखिए, अगर प्लेज का परसेंटेज ज्यादा हो तो वो आपको फेल भी करता है, देखिए लेस देन 10% होगा तो वो आपको फेल करेगा, सॉरी पास करेगा। मोर देन 10% का प्लेज आएगा तो वो आपको फेल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यही आपका प्लेज का परसेंटेज जो है वो मोर देन 40% हो जाए तो फेल तो करेगा करेगा, ACC में कंप्लेन भी करेगा। अच्छा, इसका कंप्लेन का कोई ऐसा इशू नहीं होता, एक बार वो कहता है कि मैं करूंगा, सही है। हाँ, अगर ये परसेंटेज 60-70% क्रॉस कर जाए तो फिर वो ACC वाले को भी साथ बैठा लेते हैं, वो कहता है ये तुम्हारा बच्चा और बच्चा है जिसको तुम डिग्री देने जा रहे हो, ये तो देखो ये हरकत करके बैठा हुआ है, तो फिर ये OBE वाला अकेला नहीं बजाएगा, वो ACC वाला मिलकर बजाएगा उसके साथ, ठीक है। तो वो आपको थ्रेट भी करते हैं टाइम का, आपकी ACC की डिग्री भी कैंसिल करते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसी उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा। 90% केसेस में लोग जो यहाँ फंसते हैं प्लेज में, ज्यादा परसेंटेज पे उस वक्त फंसते हैं कि जब वो किसी को हायर करते हैं किसी चीज को लिखने के लिए, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। किसी को कोई सवाल तो पूछे, वो आप बाय द वे आप लोगों ने करना क्या, पहली बात मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड टॉपिक होता है टॉपिक नंबर 4, 5, 6, टॉपिक नंबर 13 एंड टॉपिक नंबर 14 जो एथिक्स वाला है, वो एम्प्लॉय वाला है अगर उसमें आपके पास इंटरव्यू करने का ऑप्शन है। ये टॉपिक 4, 5 जहाँ आपको किसी किस्म का कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आप कंपनी की वेबसाइट या कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो पिक करें और वेबसाइट से जो रीजनिंग है वो लेके पिक करके वो अपने काम कर सकते हैं, मेनली सेकेंडरी सोर्सेज पे काम हो सकता है। किसी का कोई सवाल देखिए, अगर आप टॉपिक नंबर 4 या 5 लेंगे यानी कि जो पुअर एक्सेप्शनली वेल या पुअर, तो उसके आप मुझे रेशियोज बना के दें, मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी एक्सेप्शनली वेल है या नहीं, ये एक्सेप्शनली पुअर है कि नहीं है। अवेश ख्वाजा बोल रहे हैं, सर मैक्स कितने पॉइंट्स कम काम करना है, मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या मतलब कितने पॉइंट्स कम करना है। देखिए, अगर आप ये पूछें कि कितना टाइम लगाना पड़ता है तो भाई हफ्ते में 3 घंटे या 2 घंटे भी अगर आप दे दो तो बहुत है शुरू में। अब जारी बात है, जब आपका क्लास एंड करूंगा क्लासेस और आपको बोलूंगा 15 दिन में सीसी सबमिट करो, और अगर आप साथ साथ भी करते जाओगे तो एंड में जारी बात है थोड़ा बहुत तो आपको ये टाइम आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, लेकिन क्लासे होती जाए तो आप साथ साथ मतलब इसको आराम से कर सकते हो, मतलब मसला नहीं जी। और किसी का कोई सवाल, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई वो कर ले। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको सैंपल भी दूंगा, वो आगे देने के नहीं होते। आप कह रहे मैंने 15 पॉइंट बताए, आपने मैक्सिमम कितने पे काम करना है, ये पॉइंट नहीं है। पहली बात तो ये टॉपिक्स है, इन टॉपिक में से आपको एक टॉपिक कम पिक करना है और एक कंपनी उसके लिए पिक करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक नंबर 4 पिक किया है तो उसके रिलेटेड एक कंपनी आप पिक करेंगे, उसके साथ एक कंपेटिटर पिक करेंगे, उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। अच्छा, व्हेन व्हाट टू डू टिल नेक्स्ट क्लास, भाई कंपनी ढूंढे, कंपनी ढूंढ के मुझे बताएं उसके। आप मुझे देखें एक्सेल के अंदर 3 साल के रेशियो साल के देंगे जो मैंने अभी आपको 6 लिखवाए, अगर आपने टॉपिक 4 या 5 लेना तो ठीक है।
और 3 साल कंपनी के रेशियो निकाल के बताएं और 3 साल कंपेटिटर के रेशियो निकाल के बताएं। हमजा इम्तियाज ये बातें आपने मुझे इनबॉक्स करनी, मेरे मतलब व्हाट्सएप पे पूछनी है ये। सॉरी मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 3098240। ठीक है जी, किसी और का कोई सवाल? टॉपिक पे मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, टॉपिक की मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, सी ऑल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। मैं बता दूंगा क्लास कब है नेक्स्ट वीक। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।